सारा के साथ साथ तुम्हारे भी इस घर में आने जाने पे पाबंदी लगा दूंगी मैं। तुम होती को ना मुझे मेरे बाप के घर में आने से रोकने वाली। सारे खानदान को इकट्ठा करके ना एक एक को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, देखना तुम। खानदान इकट्ठा करने की किसको धमकी दे रही हो बेला? ये सारा सामान गाड़ी में रखो और ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी रेडी करे। जी मैं बस आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो इतना सामान लेकर तुम? मैं तुम्हें जवाब क्यों दूँ? और अपने काम से काम रखा करो। ड्राइवर को बोलो सारा सामान गाड़ी में रखे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। क्या तुम ऐसे उनसे पूछ कर वहां जा रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, और मुझे मेरी बहन से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनों ने अपनी मनमानी करने की ठान रखी है। कमाल है, दोनों बेटियों को बाप का जरा भी ख्याल नहीं। तुम हो सारी सूरत हाल की जिम्मेदार, तुम हो इस घर की और सारा की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ तुम। सारा की जिंदगी उसकी अपनी वजह से बर्बाद हुई है। एहसन ने सारा को सजा के तौर पे जहीन के साथ रुखसत कर दिया है, और ये बिल्कुल वैसे ठीक ही हुआ। सारा यही डिजर्व करती थी। एहसन ने सारा को आग कर दिया है और अब जहीन उसका शोहर है। जितनी जल्दी हो सके तुम ये बात तस्लीम कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, वरना सारा के साथ साथ तुम्हारे भी इस घर में आने जाने पे पाबंदी लगा दूंगी मैं। तुम होती को ना मुझे मेरे बाप के घर में आने से रोकने वाली। सारे खानदान को इकट्ठा करके ना एक एक को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, देखना तुम। खानदान इकट्ठा करने की किसको धमकी दे रही हो बेला? मैं बीवी हूँ एहसन हयात की, ये घर है मेरा, भाग कर नहीं मैं कहीं से, समझी? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ये सामान उठाकर सारा के कमरे में वापस रखो, और अगर मेरी इजाजत के बगैर एक भी चीज इस घर से इधर से उधर हुई तो तुम्हें काम से फारिग कर दूंगी मैं, समझी तुम? जल्दी चलो।